इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप टेलमा एच टैबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं। खुराक आपकी स्थिति पर निर्भर करेगा और आप दवा का जवाब कैसे देंगे। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की कोशिश करें। जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं बताता तब तक इस दवा को लेते रहना महत्वपूर्ण है। इसमें एक मूत्रवर्धक पानी की गोली होता है और आपको अधिक पेशाब करने का कारण बनता है, इसलिए बिस्तर पर जाने के 4 घंटे के भीतर इस दवा को लेने से बचना सबसे अच्छा है। इस दवा का नियमित रूप से उपयोग करें, भले ही आप इससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बेहतर महसूस करें। उच्च रक्तचाप के आमतौर पर लक्षण नहीं होते हैं और यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपके दिल के दौरे या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। सबसे आम दुष्प्रभाव चक्कर आना है। अन्य दुष्प्रभावों में थकान महसूस करना, मतली, दस्त, फ्लू जैसे लक्षण, सांस की तकलीफ और आपके दिल की धड़कन में बदलाव शामिल हैं। बार बार पेशाब आना इस दवा का दुष्प्रभाव नहीं है। यह इस दवा का उद्देश्य है क्योंकि बार बार पेशाब आना आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। आप अन्य संभावित दुष्प्रभावों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश दुर्लभ हैं। अपनी दवाओं के साथ आने वाले पत्रक को पढ़ना सुनिश्चित करें और अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आप दुष्प्रभाव से परेशान हैं या वे दूर नहीं होते हैं। आपकी खुराक को समायोजित करना या एक अलग दवा का प्रयास करना संभव हो सकता है। जब तक आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बताया है तब तक पोटेशियम की खुराक या नमक के विकल्प का उपयोग न करें। गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान इस दवा की सिफारिश नहीं की जाती है। अगर आपको किडनी या लीवर की बीमारी, दिल की परेशानी या मधुमेह है तो इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। शराब पीने से आपका रक्तचाप और कम हो सकता है और इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। टेलमा एच टैबलेट के लाभ। उच्च रक्तचाप का उपचार। उच्च रक्तचाप। टेलमा एच टैबलेट 2 दवाओं का मिश्रण है, टेलमिसार्टन और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। यह आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब अकेले एक दवा आपके रक्तचाप को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर रही हो। टेलमिसार्टन आपकी रक्त वाहिकाओं को शिथिल और चौड़ा करके काम करता है ताकि आपका रक्त अधिक आसानी से प्रवाहित हो सके। इससे आपका रक्तचाप कम होगा। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को एक मूत्रवर्धक पानी की गोली के रूप में जाना जाता है जो मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है जिससे रक्तचाप कम होता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित है तो आपको दिल का दौरा, स्ट्रोक या किडनी की समस्या होने का खतरा कम होता है। प्रभावी होने के लिए दवा को नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। आप आमतौर पर इस दवा को लेने से कोई सीधा लाभ महसूस नहीं करते हैं, लेकिन लंबे समय में यह आपको ठीक रखने के लिए काम करता है। टेलमा एच टैबलेट के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। टेलमा एच के सामान्य दुष्प्रभाव। थकान, चक्कर आना, जी मिचलाना, दस्त, साइनस की सूजन, फ्लू जैसे लक्षण, ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण। टेलमा एच टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, क्रश या तोड़ें नहीं। टेलमा एच टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।